दुबई की कंपनी है, वहाँ के जो एचआर होते हैं या वहाँ के जो पीआरओ होते हैं वो वीज़ा इशू करने का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कितने दिन में प्रोसेस होता है, कितने दिन में हमें वीज़ा मिल जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, मेडिकल करा के वेट करते हैं कि वीज़ा अब आएगा, और उससे नुकसान क्या होता है, एक तो मेडिकल का पैसा बर्बाद होता है, दूसरा उनका कीमती समय बर्बाद हो जाता है। वीज़ा के इंतज़ार में वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं काम करने के लिए, उनको लगता है कि वीज़ा अब आएगा, एक महीना के लिए या दो महीना के लिए हम कहीं क्यों जाएं काम करने के लिए, अगर कहीं जाएंगे भी तो वहाँ ठेकेदार हमको पैसा देगा नहीं देगा, तमाम इस तरह के सवाल चलते रहते हैं जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ लड़कों का नुकसान होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कितने दिन में मिलता है, अगर वीज़ा लेट होता है तो क्या कारण है, क्यों वीज़ा लेट होता है, किसकी तरफ से ये गलती होती है, तमाम जानकारी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए, तभी आपको समझ में आएगा कि दुबई का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है उसमें कितना समय लगता है प्रोसेसिंग में। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम दुबई के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की बात करें तो उसमें जो समय लगता है वो लगता है 7 से 10 दिन या 12 दिन मैक्सिमम। जी हाँ दोस्तों, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाता है, प्रोसेसिंग हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वेट करते हैं 2 महीना 4 महीना 6 महीना लग जाते हैं वीज़ा आने में, और कई बार 6 महीना वेट करने के बाद भी वीज़ा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में 6 महीने बाद वीज़ा मिल भी जाता है। तो कारण क्या है, क्यों लेट होता है, किसकी तरफ से ये लेट होता है, किसकी गलती होती है? दोस्तों जब हम इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद जब हम पास हो जाते हैं उसके बाद से हमारा मेडिकल होता है, तो जब हमारा मेडिकल हो जाता है तो आप क्या करते हैं, ऑफिस वालों को भेजते हैं, ऑफिस वाले दुबई ऑफिस को आपका सारा डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, वहाँ से फिर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका सैलरी, आपका ट्रेड और जो भी आपको फैसिलिटी मिलने होता है वो सारी उसमें जानकारी दी जाती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाया जाता है, वो 2-4-10 दिन बाद वो कॉन्ट्रैक्ट आता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट आप भेजते हैं ऑफिस में और वो कॉन्ट्रैक्ट जब दुबई जाता है तो जो दुबई की कंपनी है वहाँ के जो एचआर होते हैं या वहाँ के जो पीआरओ होते हैं वो वीज़ा इशू करने का काम करते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट को लेबर ऑफ मिनिस्ट्री में जमा करते हैं। अगर उन्होंने टाइम से जमा कर दिया तो आपका वीज़ा 7 से 10 वर्किंग डेज में मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपका टाइम से जमा नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा लेट हो जाता है, डिले होता जाता है और लास्ट में पता चलता है कि वीज़ा नहीं मिलेगा। तो जो पीआरओ एचआर जो कंपनी के होते हैं अगर वो एक्टिव होंगे और थोड़ा जल्दी से काम करेंगे तो आपका वीज़ा जो है 1 महीने दिन या 1.5 महीने के अंदर अंदर अनुमान है कि मिल जाएगा। लेकिन अगर जब 1.5 महीना से आपका वीज़ा ऊपर होता है तो 90% चांस है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वीज़ा लेबर ऑफ मिनिस्ट्री से उस कंपनी को ही नहीं मिलता है, तो आपको कैसे वो कंपनी देगी? तो कहीं ना कहीं एचआर टीम या जो पीआरओ होते हैं जो वीज़ा इशू का काम करते हैं वो लोग लेट कर देते हैं। अगर वो टाइम से आपका कॉन्ट्रैक्ट जमा कर देंगे तो 10 से 12 वर्किंग डेज। दोस्तों जब मैं वर्किंग डे की बात करूँ तो उस दिन सरकारी छुट्टी ना हो उस देश में, जैसे दुबई में कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, तो 10 से 12 दिन के अंदर आपको वीज़ा इशू हो जाता है। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा वीज़ा लेट हो जाता है और हमें टाइम से वीज़ा मिलता नहीं है और उसकी वजह से हमारा टाइम, पैसा, मेडिकल सब वेस्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ केस में टाइम से आपका कॉन्ट्रैक्ट जमा भी हो जाता है, एचआर टीम टाइम से आपका कॉन्ट्रैक्ट जमा कर देती है, उसके बाद भी आपका वीज़ा लेट आता है, लेट मिलता है, उसका कुछ अपना गवर्नमेंट का इशू होगा, उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। लेकिन 99% अगर एचआर टीम आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइम से लेबर ऑफ मिनिस्ट्री में जमा कर देती है तो वीज़ा आपका जल्द से जल्द मिल जाता है। कुछ केसेस में वीज़ा लेट मिलता है बट मिल जाता है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्या सिचुएशन और प्रोसेस है। तो यही सब कुछ बेसिक कारण होता है जिसकी वजह से हमारा वीज़ा लेट हो जाता है, लेकिन विजिट वीज़ा जल्दी मिल जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में यही कारण है लेट होने का। लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में लेट हो बट कोशिश करें कि आप एम्प्लॉयमेंट में ही जाएं।
तो यही जानकारी थी, सोचा आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।